लाइक आई टोल्ड यू फ्रॉम द बिगिनिंग, सुकुना विल विन दिस फाइट फॉर श्योर। एंड हम पे फाइनली आफ्टर वेटिंग फॉर वन वीक हमें मिल चुके हैं चैप्टर 232 के स्पॉयलर्स। अब ये चैप्टर इतना फाड़ू ऑसम है जो कि दोनों तरफ से खेल रहा है। दैट मींस कि ये चैप्टर को पढ़ के गोजो फैंस भी काफी खुश होंगे एंड जिस चैप्टर को पढ़ने के सुकुना फैंस भी काफी खुश होंगे, क्योंकि चैप्टर में हुआ ही ऐसा है कि ये दोनों लोगों के फैंस को, दोनों ओपोनेंट्स को काफी इंटरेस्टिंग बनाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मैं इसके स्पॉयलर को रीड कर रहा था तब मुझे मजा, खुशी और दर्द दोनों हो रहा था। So, हम इस चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। So, इस चैप्टर की शुरुआत ही होती है कि हमें ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में मालूम पड़ चुका है कि यहाँ पे सिर्फ 3 मोर स्टन और चाहिए ताकि वो उसकी इन्फिनिटी को अडेप्ट कर पाए। एंड चैप्टर की शुरुआत ये ही होती है कि उसका एक बार व्हील एक बार और घूम चुका है, दैट मींस कि अब सिर्फ 2 बार ही रिमेनिंग रह गए हैं। अब क्योंकि गोजो को ऑलरेडी मालूम पड़ गया है कि मेरे पे अब टाइम काफी कम बचा है, सो वो फुल पोटेंशियल से पूरी ताकत लगा के सुकुना के ऊपर रश करता है। अब यहाँ पे गोजो फुल स्पीड से सुकुना के ऊपर चार्ज करता है। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है कि कोई भी चांस नहीं है गोजो के पास, तो वो क्लोज कॉम्बैट को ही यूज करेगा। सो वो अपनी ब्लू टेक्निक को अपने फिश के ऊपर चढ़ा के फुल तरीके से चार्ज कर रहा है। हम इस सीन में क्लियर देख भी सकते हैं कि वो बिल्डिंग्स तोड़ के सुकुना के ऊपर फुल्ली चार्ज कर रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें पता लगता है कि गोजो कुछ ब्लू ऑब्स बनाता है सुकुना के अराउंड, जिससे सुकुना ट्रैप हो जाता है। जब सुकुना बिल्कुल ही बिजी होता है उन ऑप्स को फिगर आउट करने में, तभी गोजो एक पॉइंट ब्लैंक अटैक करता है सुकुना के ऊपर, जहाँ पे वो उसको एक किक मारता है सुकुना को एंड सुकुना काफी दूर ट्रेवल करता है। यहाँ पे एक बार व्हील और टर्न हो जाता है, जहाँ पे सारे हकारी यूटा चिल्ला रहे होते हैं एंड उनको डर लग रहा होता है क्योंकि अब से वन मोर टाइम ही बचा है उस व्हील को टर्न होने के लिए एंड गोजो के पास टाइम काफी कम है। यहाँ पे यूटा को एक कंफ्यूजन महसूस होती है एंड वो कुशिमो से पूछता है कि अगर उस व्हील ने गोजो की इन्फिनिटी को परफेक्टली अडेप्ट कर लिया तो वो थोड़े टाइम बाद इनेबल होगा या फिर वो तुरंत जैसे ही उस पर हिट करेगा तुरंत ही वो इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे कुशिमो ये कहता है कि देखो हो तो कुछ भी सकता है, बट ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। हो सकता है तुरंत ही स्टार्ट हो जाए, बट हो सकता है कुछ टाइम ले स्टार्ट होने में। आप क्योंकि गोजो के पास टाइम काफी कम है, तो वो सुकुना को पूरी तरीके से चेस कर रहा है एंड वो उसको एक ऑफ गार्ड एंगल में पकड़ना चाहता है ताकि वो उसको फिनिश ऑफ कर पाए। अब गोजो अपना 100 IQ यूज करता है एंड वो कहता है एंड वो सुकुना को ये जस्टिफाई कराता है, ये दिखाता है कि मैं सिर्फ अपना रेड होलो ही यूज करूंगा, पर्पल होलो नहीं। जहां पे गोजो एक्सट्रीमली रेड टेक्निक को यूज करता है, वो डायरेक्ट सुकुना के ऊपर चढ़ देता है जिससे सुकुना को काफी डैमेज होता है। बट ऑन द राइट टाइम सुकुना डोमेन एम्प्लीफिकेशन को यूज कर लेता है एंड अपने डैमेज को काफी कम कर देता है। एंड यहाँ पे सुकुना गोजो को ये कहता है कि तुम इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो, आई नो कि तुम्हारे मूव्स मैं वो ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, बट तुम्हें कुछ बेटर करने की जरूरत है। बट ऑन अ इंस्टेंट हमें पता लगता है कि जो पर रेड होलो उसको पड़ा था वो तुरंत पूरा चक्कर लगा के घूम के पीछे से गोजो सुकुना की पीठ पे पड़ता है, जिससे सुकुना को काफी डैमेज होता है। जहाँ पे गोजो को एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है एंड वो तुरंत ब्लैक फ्लैश यूज करता है, डायरेक्ट एक पंच कनेक्ट करा देता है सुकुना के पेट में, जिससे सुकुना को लिटरली काफी डैमेज होता है। बट यहाँ पे पॉइंट आउट करने वाली बात यह है कि मैंने पहली बार गोजो को ब्लैक फ्लैश यूज करते हुए देखा है। मैंने सिर्फ अभी तक इतादोरी यूजी को यूज करते हुए देखा था ब्लैक फ्लैश एनोबारा को, बट यहाँ पे गोजो ने आई थिंक पहली बार यूज करी है ब्लैक फ्लैश टेक्निक। यहाँ पे सुकुना की आईज काफी व्हाइट हो जाती है, देन सडनली सारे लोग चिल्लाने लगते हैं, ओ गोजो गोजो कुछ ने कर दिखाया, क्योंकि सुकुना बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है। फिर हमें अगले सीन में ये मालूम पड़ता है कि सुकुना का व्हील नीचे गिर जाता है एंड वो आई थिंक अनकॉन्शियस हो जाता है, जहां पे हमें मालूम पड़ता है कि मोरागा वाला व्हील जमीन पे गिर चुका है। बट सडनली जैसे ही वो मोरागा वाला व्हील जमीन को टच करता है, तुरंत एक शैडो निकलती है एंड वो गोजो को ट्रैप कर लेती है, जिससे गोजो काफी हैरान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बट मैं एक चीज को मेंशन कर दूं कि गिरने से पहले वो व्हील एक बार टर्न हो चुका था, दैट मींस कि सुकुना हैज ऑलरेडी अडैप्टेड हिज इंफिनिटी, और यू कैन से द लिमिटलेस। अब तुरंत मोरागा शेडो से अपीयर होता है एकदम बड़ा, जहां पे गोजो बिल्कुल भौचक्का रह जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करेगा।
वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स के रिएक्शन देख के काफी पता लग रहा है कि वो लोग काफी चिल्ला रहे हैं। ऐसी मोहरागा शेडो से निकलता है, वो तुरंत कोजो को एक स्लैश करता है जिससे काफी ब्लड शेटर हो जाता है कोजो की बॉडी से, जहाँ पे उस स्लाइस से कोजो का एक हाथ कट चुका है। दैट मींस कि ही इज लेफ्ट विद जस्ट वन आर्म। अब जब फुल ट्रांसलेशन आएगी, क्योंकि अभी फुल ट्रांसलेशन नहीं आई है, जब पूरा चैप्टर रिलीज होगा तब हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, एक बेटर डिटेलिंग मिलेगी कि चैप्टर के अंदर वाकई में और क्या क्या सिनेरियो बैठे हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसी चीज कितने टाइम्स अपने चैनल में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गोजो इज वन ऑफ द बेस्ट फाइटर, बट सुकुना के पास एक एडवांटेज है जिससे जो इस चैप्टर में काफी साबित भी हो रहा है। एंड आई थिंक द नेक्स्ट चैप्टर इट प्रोबेबली बी द लास्ट चैप्टर फॉर गोजो, कि अब गोजो के पास कोई भी चांस बचा ही नहीं है क्योंकि सुकुना ने उसकी इन्फिनिटी को अडेप्ट कर लिया है। एंड सबसे खुशी वाली बात तो ये है कि अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है, जो कि सबसे बड़ी बात एंड सबसे अच्छी बात, हमें तुरंत ही एक नेक्स्ट चैप्टर मिल जाएगा अगले हफ्ते। एंड मैं वेट कर रहा हूँ फ्राइडे को जैसी चैप्टर ड्रॉप हो एंड मैं उसके ऊपर वीडियो बना पाऊँ। बट टू बी ऑनेस्ट, दिस चैप्टर इज अ पीक एंड आई लव इट। आपको क्या लगता है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, मुझे आप कमेंट सेक्शन में लेके बता सकते हैं। मैं आपको मिलता हूँ जुजुत्सु काइजन के 232 के ऊपर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सायोनारा।